मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म में जो करेक्शन ओपन हुए हैं 21 से लेकर 26 तक जो ये करेक्शन डेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। किन किन बच्चों को इसमें करेक्शन का जो दोबारा से मौका दिया गया है, किन किन बच्चों को फायदा होगा, कैसे हम चेक करें, अगर हमने कैटेगरी पहले चेंज कर दी, हमारा सर्टिफिकेट नहीं बढ़ा तो उसके लिए एक अहम जरूरी बातें क्या हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर इसको हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने वो जानकारी दे दी है जो आप जानना चाहते हैं, कैसे कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होता है, किस प्रकार से आपने सीट फिल करनी है, टॉप से लोएस्ट के कॉलेज कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में आयुष, वेटनरी, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, सभी की बुक अवेलेबल है। मैं सोचता हूं ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ है, करेक्शन फॉर्म ओपन हुआ है फेज टू का और फेज वन के लिए, तो इसमें कुछ बच्चों को फायदा होगा क्योंकि काफी सारे मेरे पास इस प्रकार से कमेंट्स आ रहे थे कि उन्होंने करेक्शन ओपन होने के बावजूद, डेट एक्सटेंड होने के बावजूद भी उनके करेक्शन रह गए थे, किए नहीं थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया था, तो उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है, वो अपना करेक्शन कर सकते हैं अगर उनके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो। अब वो चेक कैसे करना है तो वेबसाइट पर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके लेफ्ट साइड में एक तो रजिस्ट्रेशन व्यू लिखा होगा, इसी के साइड में एक एप्लीकेशन व्यू लिखा होगा, इनमें आप दोनों में चेक कर लें। एप्लीकेशन व्यू पर क्लिक करके देख लें कि आपकी पूरी डिटेल आ रही है उसमें, 10th की 11th की 12th की सारी डिटेल आ रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। ये करेक्शन सभी के लिए है, जो कुछ करना चाहे इसमें कर सकते हैं, करेक्शन करना चाहे तो ये सभी के लिए ओपन हुआ है। अब हम इसमें बात करते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट इस चिंता में है कि 11th की जो डिटेल है उन्होंने गलत फिल कर दी है या कुछ दूसरी डिटेल फिल की है, तो वो दोबारा से ये डिटेल फिल कर सकते हैं, करेक्शन लिंक पर क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं इसमें। वैसे 11th का इतना बड़ा इश्यू तो नहीं है लेकिन फिर भी करेक्शन करना चाहे तो कर सकते हैं। दूसरी बात, काफी स्टूडेंट इस बात से चिंतित हैं कि उनके मेल आईडी में प्रॉब्लम है, मेल आईडी चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मेल आईडी का भी इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि आपको मेल आईडी चेंज ही करनी है, क्योंकि ओमार आंसर सीट आ चुकी है, अभी रिजल्ट आना है, वो वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगा। इसके बाद आप काउंसलिंग के लिए जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां अपना दोबारा दूसरा मेल आईडी दे सकते हैं। तो ये तो आपकी दो बात होगी क्लियर। अभी ऐसे बच्चे जिन्होंने कैटेगरी चेंज करनी है, जैसे कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस ओबीसी फिल कर दिया है इस एप्लीकेशन फॉर्म में और उनका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है और उनको पता चल गया है कि उनका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, उनको जनरल से ही सीट लेनी पड़ेगी ऑल इंडिया कोटा के लिए। स्टेट में हो सकता है उनका ईडब्ल्यूएस ओबीसी बन जाए लेकिन ऑल इंडिया कोटा के लिए नहीं बनना, तो उन बच्चों को अभी इस समय कैटेगरी चेंज कर देनी चाहिए। इसमें होगा क्या, होगा ये कि आपको जनरल से सीट अगर मिलती है तो भी ही उस सीट पर आप इलिजिबल हैं। आपको पता नहीं है आपको जनरल से सीट मिलेगी या ओबीसी से सीट मिलेगी, ये तो कंप्यूटर से अलॉटमेंट होगा, आप तो अपने डिजायर्ड कॉलेज उसमें फिल करेंगे। अगर जनरल की सीटें नहीं तो आपको ओबीसी की सीट भी मिल जाएगी, तो ओबीसी की सीट मिल जाएगी तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की सीट मिल जाएगी तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको वो सीट छोड़नी पड़ेगी। जब सीट छोड़नी पड़ेगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो जिन बच्चों को ये मालूम चल गया है कि उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, जनरल से ही उनको सीट लेनी है, तो वो जनरल ही फिल कर दें। अभी काफी बच्चों का ये पूछना है, मेरे से कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि सर अगर हमें ईडब्ल्यूएस ओबीसी की सीट नहीं मिलती है तो क्या हम जनरल की सीट ले सकते हैं क्या? हाँ, जनरल की सीट ले तो सकते हैं
लेकिन ये कंप्यूटर से अलॉटमेंट है, ऑल इंडिया कोटा का, फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का, जो भी है सारा कंप्यूटर से अलॉटमेंट है। और आपको ये पता नहीं कि ये मेरे को जनरल की सीट मिलेगी। ये मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। मान लो केजीएमसी है, केजीएमसी कॉलेज में आपने केजीएमसी फिल कर दिया, आपकी कैटेगरी ओबीसी है, ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास में बना नहीं है, आपने केजीएमसी फिल कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपने ओबीसी कैटेगरी फिल कर दी लेकिन ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बना है। तो अगर आपने केजीएमसी फिल कर दी, केजीएमसी में जनरल की सीट नहीं है, ओबीसी की सीट है, आपने ये फिल कर रखा है, तो हम सबको पता है कि आपको ओबीसी की सीट मिलेगी। और लेकिन जब ये ओबीसी की सीट मिलेगी, आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये सीट आपके किसी काम की नहीं है। फर्स्ट राउंड में भी ऐसे ही होता है। अगर आपको ये जनरल से सीट मिलती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने ओबीसी फिल किया है, सीट जनरल से मिल गई है, तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट हो रहे हैं, यहां आपको जनरल की सीट मिलेगी। लेकिन आपको तो ये पता नहीं है ना कि मेरे को जो मैं ये सीट भर रहा हूं ये ओबीसी में मिलेगी या फिर जनरल में मिलेगी। वहां कोई ऑप्शन नहीं आएगा आपका जनरल, आप ये सीट जनरल में लेना चाहते हैं या ओबीसी में लेना चाहते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा। आपकी कैटेगरी जो आपने अभी भर दी है वो ही कैटेगरी मान्य होगी और रिजल्ट उसी के अनुसार ही डिक्लेयर किया जाएगा, फर्स्ट और सेकंड राउंड का, ऑल इंडिया कोटा का। इसलिए बता रहा हूं कि जिन कैंडिडेट के पास में सर्टिफिकेट नहीं है और उनको ये पता चल गया कि उनका सर्टिफिकेट बनने वाला भी नहीं है, तो वो इस समय कैटेगरी चेंज कर दें, उनके लिए ये काफी अच्छा मौका है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, इसका फायदा काफी बच्चों को हो सकता है अगर जिनके मिस्टेक्स हुई हैं। तो अगर आपके भी मिस्टेक हुई है, आप अपने एक बार फॉर्म को रिव्यू कर ले, आप चेक कर ले, पूरा का पूरा फॉर्म वेरीफाई कर ले, आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन व्यू पर क्लिक करेंगे, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, उसमें कोई गलतियां हैं तो आप करेक्शन के जो लिंक है उस पर क्लिक करें, करेक्शन वाले लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद में करेक्शन करके उसको ठीक तरह से सबमिट कर दें। अगर किसी बच्चे के कोई प्रॉब्लम नहीं है तो करेक्शन वाले फॉर्म को, करेक्शन वाले लिंक को ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप कहीं और कहीं गलती कर बैठेंगे। तो जिन बच्चों के प्रॉब्लम है, जिन्होंने करना था, ऐसे काफी सारे बच्चे हैं, मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमारा ये गलती हो गया, हमने चेक नहीं किया है, करेक्शन विंडो ऑलरेडी चला गया है और हमारी ये मिस्टेक होगी, तो उन बच्चों के लिए काफी अच्छा मौका है। तो उन बच्चों के लिए भी मौका है और कैटेगरी चेंज करने वाले बच्चों के लिए भी मौका है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से आपको कैटेगरी की सीट मिलती है, अगर आप ओबीसी में हैं जनरल की सीट कब मिलती है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पर पड़ा हुआ है, आपका सारा कैटेगरी रिलेटेड डाउट दूर हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, बाकी आप सबको इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लग ही गया कि रिजल्ट थोड़ा सा डिले होगा और ये जो डेट है वो 26 तक है करेक्शन की डेट। तो आप अगर आपको भी करेक्शन करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर वेट करते हैं रिजल्ट का, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो अभी होना है वो रिजल्ट आना ही है। अभी आंसर की रिजल्ट के बाद भी आ सकती है, एक दो घंटे पहले भी आ सकती है, फाइनल आंसर की का इतना बड़ा कोई चक्कर नहीं है, अभी सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर होगा और वो आपको वेबसाइट पर देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ये डिक्लेयर होगा इसके बारे में कोई भी अपडेट मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड करते हुए आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।